हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले बी फार्मा के एग्जिट एग्जाम के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन निकल चुका है। और उस नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बताया गया प्रमोद योली ने, जो कि नए वाइस प्रेसिडेंट है पीसीआई के और एक्टिंग प्रेसिडेंट है पीसीआई के, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये इस नोटिफिकेशन को हमारे मिनिस्टर वेलफेयर के सामने रख दिया है कि बी फार्मा के लिए भी एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। जब वो अपना बैचलर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सारे एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल जाएंगे तो उनका वहाँ पे एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। और ये बात उनकी एकदम करेक्ट है। डी फार्मा के स्टूडेंट के लिए भी एग्जिट एग्जाम का प्रपोजल रख दिया गया है और बी फार्मा के स्टूडेंट के लिए भी रख दिया गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि कई तरीके के पीसीआई की तरफ से रिफॉर्म्स हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, और कई तरीके के जो कॉलेजेस खुल गए हैं जो बहुत ज़्यादा घोटाला कर रहे हैं फार्मेसी की फील्ड में, फार्मेसी की प्रोफेशन में। जो स्टूडेंट निकल रहे हैं उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, मेडिसिन की नहीं है, फार्मूलाज की नहीं है। तो इस वजह से पीसीआई ने सारे अमेंडमेंट को रखा है मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के सामने कि वो इसके ऊपर कोई अपनी राय दे। सारी कमेटीज़ बैठ चुकी हैं कि किस तरीके से बी फार्मा और डी फार्मा का जो स्कोप है और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमेशा से ही फार्मेसी का स्कोप रहा है, हमेशा से ही हेल्थ केयर का एक बहुत ज़्यादा प्रमुख हिस्सा रहा है फार्मेसी। जिससे क्या होता है कि जो भी हमारी कम्युनिटी है डायरेक्टली हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। डायरेक्टली हम कॉन्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है कि जो हमारा कम्युनिटी है उसमें काफ़ी असर दिखाई देता है और हेल्थ केयर सिस्टम और भी ज़्यादा सुधार आता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डेली कॉलेज को अटेंड किया है, डेली अपनी क्लासेस अटेंड की है, तो आप अपना बी फार्मा हो या डी फार्मा हो, फार्म डी हो, एम फार्म हो, पीएचडी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम आप निकाल पाएंगे। और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे जब आपको बेसिक नॉलेज होगी फार्मेसी की। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना होता आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर दिया करिए, जिससे क्या होता है मुझे पता चल जाता है, वहीं पे जवाब दे देता हूँ। नीचे रेड बटन दिया हुआ उस पर क्लिक करने चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं लेकिन वो अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनको कुछ आता नहीं है या फिर वो अपने अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से ही जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट होते हैं उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं और प्रिंसिपल से अपनी कॉलेज प्रिंसिपल से बात कर लेते हैं, अभी जो भी डीन है, जो भी डायरेक्टर है कॉलेज का, उनसे बात कर लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे कर देते हैं और नॉन अटेंडिंग फार्मेसी का कोर्स कर लेते हैं। लेकिन जब भी उनके लिए एग्जिट एग्जाम का रखा गया है, जो स्टूडेंट है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए, उनकी जो मेहनत है वो असफल ना हो। लेकिन अभी पीसीआई की तरफ से ये प्रपोजल रखे गए हैं डी फार्मा बी फार्मा के, लेकिन अभी कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं किया गया है। तो आप आराम से रहिए, आप अपना ये सेशन अच्छे से कंप्लीट करिए, हो सकता है अगले सेशन से ये सारे अमेंडमेंट को अप्लाई कर दिया जाए पीसीआई के द्वारा। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के वक्त पता चल जाएगा कौन जेन्युइन स्टूडेंट है, कौन नॉन अटेंडिंग है, कौन अपना डेली बेसिस पे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो भी जान पाए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।